आज हम आपको गुणाकर मूल्य के वैज्ञानिक लेख शनि सबसे सुंदर ग्रह की एक व्याख्या बताएंगे। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुं ओर वलय कंकण दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर पिंड बना दिया। पुराने जमाने के ज्योतिषियों को शनि के इन वलयों की जानकारी नहीं थी। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। इससे भी ज़्यादा प्रामाणिक जानकारी अंतरिक्ष यानों का युग शुरू होने के बाद पिछले करीब 2 दशकों से मिली है। प्रस्तुत गद्य अवतरण गुणाकर मूल्य के शनि सबसे सुंदर ग्रह शीर्षक वैज्ञानिक निबंध से उद्धृत है। इसमें लेखक ने दूरबीन का आविष्कार होने से तथा अंतरिक्ष यानों से शनि ग्रह के विषय में प्राप्त नवीन जानकारियों के संबंध में बताया है। लेखक बताता है कि गैलीलियो ने दिव्य दृष्टि अर्थात दूरबीन का आविष्कार किया। तत्पश्चात शक्तिशाली दूरबीनें बनी जिनसे शनि ग्रह को देखने से स्पष्ट होता है कि इसके चारों ओर वलय या गोलाकार कंकण जैसी आकृतियां हैं। पहले नंगी आंखों से देखने पर ये वलय नहीं दिखाई देते थे। शनि ग्रह के चारों ओर गोलाकार रूप में विद्यमान ये वलय ऐसे लगते हैं कि मानो प्रकृति ने इसके गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। इन्हीं कंकणों या वलयों के कारण शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर पिंड माना जाता है तथा इसकी सुंदरता इन वलयों के अतीव चमत्कारी लगती है। पुराने जमाने के ज्योतिषियों के पास दूरबीन नहीं थी, इसी कारण उन्हें शनि के इस सुंदर वलियों की जानकारी नहीं थी। लेखक कहता है कि शनि के चारों ओर विद्यमान वलियों की तथा इनकी अन्य विशेषताओं की विस्तृत जानकारी हमें इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में ही मिली है। पहले शक्तिशाली दूरबीन के आविष्कार से तथा बाद में पायोनियर और वाइजर आदि अंतरिक्ष यानों से इस संबंध में नवीनतम जानकारी प्राप्त हुई है। पिछले 2 दशकों से अर्थात पिछली सदी के अंतिम चरण में की गई वैज्ञानिक खोजों से सौर मंडल के अन्य ग्रहों के साथ ही शनि ग्रह की प्रामाणिक जानकारी मिली है। इस गद्य अवतरण में विशेष बात यह है कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों से शनि ग्रह की दशा गति राशि पर संचरण तथा आकार तापमान आदि की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हुई है। लेखक ने उन जानकारियों की ओर इंगित किया है। भाषा सरल सुबोध है तथा शैली विवेचनात्मक है। शनि के वलयों का उल्लेख अलंकृत शैली में हुआ है।